कितनी दफा तुझे समझाया, कितनी दफा तुझे समझाया है कि सवाल के बाद बाल ना संवारा कर, पर तेरी अकल में ना कुछ नहीं आता है। अम्मा इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है कमबख्त, हर्ज क्या है? सवाल के बाद सूरज सर पे होता है और जमीन से हवाई चीजों का गुजर होता है। अगर खुले बाल देकर कोई बला चिमट गई ना तो मारी जाएगी, मारी जाएगी। जी अम्मा। मेरे बाबा जी कहते हैं कि एक दफा अगर कोई बदरू चढ़ जाए ना खुले बाल देकर तो कब्र तक नहीं पीछा छोड़ती वो। पर तेरी समझ में कुछ नहीं आता, छोड़ कंगी। काश मेरी बच्ची की भी शादी तेरे साथ हो जाती ना तो मेरे सर पे से बोझ हल्का होता, मगर उसकी किस्मत खुली है। फिक्र ना करो खाला, अल्लाह बेहतरी करेगा। अगर उसकी भी नसीब तेरी तरह होते ना तो उसकी भी डोली उठ चुकी है। ऐसा तो ना बोलो खाला, लाखों में एक है मेरी सहेली, अल्लाह बहुत जल्दी सबब पैदा कर देगा। हाँ, लेकिन जाने क्या सियाह नसीब लिखवा के लाई है, मेरी तो जान ही निकली जा रही है अंदर से, जैसे खून सा लग गया हो। खाला किसी रिश्ते वाली से बात की? बाबा जी को कहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, देखो क्या होता है। खाला अल्लाह को छोड़ के बाबा के चक्कर में हो, ये बाबा वाबा सब ढोंगी होते हैं, होगा कुछ नहीं, बस तुम्हें नोच लेंगे वो। बकवास मत कर, बोलने से पहले सोच लिया कर। अरे मेरे बाबा जी बहुत वीक हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, खबरदार जैसी बात की तो ख्याल रखना आइंदा। सुना, अब मैं जा रही हूँ बाबा जी से मिलने के लिए, तू बैठ आराम से यहाँ। अम्मा मेरी वजह से परेशान है, अब कोई हाय नहीं करता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं खुदकुशी कर दूंगी। पागल हो गई तू, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मामू मुमानी को भी ले आते। बेटा सीधा कंपनी से छुट्टी लेके इधर आ रहा हूँ, परसों लेके आऊंगा इसे। ये जमीला पर नजर नहीं आ रही, बाबा जी के पास गई हैं। लीजिए आ गई। अरे कैसे हो छोटे मियाँ? ठीक हूँ आपा। कैसे आना हुआ? अरे कमबख्त किसी दफा का है कि असर के वक्त नाखून नहीं काटते, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर में नहुसत दी जाती, समझ में नहीं आती तेरी। पापा ये सब गलत और फरसूदा तसव्वुरात हैं, नसर के वक्त का नाखून काटने से क्या ताल्लुक? अरे छोटे मुझसे तो तुम देरी वाली बात करना नहीं, ये कुरान में अल्लाह ने साफ असर के वक्त की कसम खाई है, मैं इस वक्त नाखून काटने वालों पे बदरूए कब्जा कर लेती हैं। चार जमाते पढ़कर हर चीज से इनकारी। अरे मेरे बाबा जी कहते हैं कि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसका कोई रिश्ता नहीं आता। आपा अल्लाह को छोड़कर इन ढोंगी बाबुओं के पीछे पड़ी भी हूँ, ये ढोंगी बाबा फ्रेबी बाबा किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले। खबरदार जबान को लगाम दे, मेरे बाबा के लिए एक लफ्ज भी वजीर का ना तो मुझसे बुरा,
हाय हाय कमबख्त, इस वक्त झाड़ू नहीं देते। कितनी दफा कहा है कि शाम को झाड़ू लगाना नहीं लगाना चाहिए, इससे बरकतें घर की उड़ जाती है और घर में बीमारी घुसाती है, बीमारी घुसाती। चल चल चल, झाड़ू देने से ना बुरी रूहें चिपट जाती हैं। माफ कर दे। क्या माफ कर दूं मैं तुझे, जा जाके नहा और साथ मिर्चे लाल मिर्चे ना उसमें चूल्हे पर जला देना और जाके अच्छी तरह गुसल करना। चल दफाओ दफाओ, मेरे मुंह क्या दिख रही, जाना। आपा इफ़त का हौसला है कि तुम जैसे तोहम परस्त और बदअकीदा औरत को बर्दाश्त कर रही है। बर्दाश्त कर रही है। बहन इसको बुरा मत मानना, जो बात इंसान कहे साफ दिल से मुंह पे कहे। दरअसल मुझे अपने घर बहू लेकर जानी है, सिर्फ बद रौनक बहू लेकर जाऊंगी, मेरी तरफ से तुम ना ही समझो। देखा अपनी बेअदबियों का नतीजा। अम्मा मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से क्या फायदा, अब तो हवाई चीजों के असरार भी शुरू हो गए। तुम्हारी शादी कभी नहीं हो। अम्मा अम्मा जी मेरी बच्ची। अम्मा मुझे क्यों बांध रखा है, अम्मा अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, देख तो अम्मा हाथ से खून भी निकल रहा है, खोल देना अम्मा। बस बेटा एक दिन और, पापा जी ने कहा है बस आज के अमल के बाद ना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अम्मा अम्मा मैं वादा करती हूँ, अम्मा अम्मा कुछ भी नहीं करूंगी, खोल देना अम्मा तुझे, तो तब नहीं करूंगी ना। बस बेटा एक दिन और, सिर्फ एक दिन और बेटा, मेरे खातिर प्लीज। तुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं। पापा मैंने मालूम किया है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास इफ्फत के लिए टाइम लेने। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, मेरे बाबा जी ने कहा है कि आज के अमल के बाद इफ्फत पे चढ़ी बदरू निकल जाएगी। तुम्हारे ये जादू टोने और बाबो के चक्कर ने ना इफ्फत को ज़हनी मरीज़ा बना के रख दिया है। चुप कर। ठीक है मैं अभी थाने जा रहा हूँ तुम्हारे बाबा फरोडिया के खिलाफ दरखास्त देने, आज ही पकड़वाऊंगा इसे। अरे मुझे पुलिस की धौं देने की जरूरत नहीं है, समझे, मैं नहीं बुलाती बाबा को, तो जा डॉक्टर से वक्त ले ले। शुक्र तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। डिप्रेशन जनाब, आम जबान में इसे मायूसी या सुर्दगी कहते हैं और ये किसी को भी लाहक हो सकती है, मगर ख्वातीन में इस बीमारी की शरह मर्दों की नस्बत 2 या 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। नहीं, ये बदरू का साया है, इसने जरूर कोई बेअदबी की है। नहीं जनाब, इसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 80% मरीज कभी भी किसी मुआलिज, मेरा मतलब है कि नफ्सियाती या दिमागी मुआलिज के पास नहीं जाते, बल्कि बिला वजह बिला जरूरत इसका शिकार रहते हैं। तुमने अच्छा किया जो मुझे बुला लिया, अब इसका इलाज भी हो जाएगा। डिप्रेशन थॉट्स
यानी अफसरदा ख्यालात। इंसान हर चीज का मनफी पहलू देखता है और मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो जाता है। मगर क्यों डॉक्टर साहब? इसके पीछे एहसास से जुर्म या खुद इल्जामी की सोच भी हो सकती है। ऐसा मरीज जो है ना, हर चीज में पेशगी नाकामी देखता है। इसकी बेतियातियों और बेअदबियों का नतीजा है और इसकी कमजोरी इसका सारा खाना बदरुएं खा जाती हैं। भूख में कमी वाकई हो जाती है, सर दर्द, पट्ठों का खिंचाव, माहवारी में खलल पैदा हो जाता है, नींद में कमी हो जाती है, नींद का बढ़ जाना, ये सब जिस्मानी अलामत है। अगर डिप्रेशन की अलामत का दौरान या दो हफ्तों से ज्यादा रहना तो इसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। ये सारी कारस्तानी बदरुओं की है जो इसका खून निचोड़ रही है, इसी वजह से इसको दौरे पड़ते हैं। मेजर डिप्रेशन के मरीज साइकोटिक पेशेंट बन जाते हैं, जिसमें मरीज बेबुनियाद अकायद, डेल्यूशन या इदराक की कमी का शिकार भी हो सकता है। इसे हलुसिनेशंस कहते हैं। ये बेबुनियाद अकायद क्या है सर? मरीज अपनी जात के मुतालिक बेबुनियाद बातें सोचता है, खुद को मुजरिम या गुनाहगार तसव्वुर करने लगता है। और ये हलुसिनेशंस क्या है? इदराक की खराबी तसव्वुरात या आवाजों पर मबनी होती है। मरीज मंजर और आवाजों में फर्क महसूस नहीं कर सकता। इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? एक बकरे की सिरी, चार बकरे के पाए, एक अदद झाड़ू, 20 तेल के दिए, एक सफेद चादर और एक बोतल खून की, वो भी काले वाले बकरे का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी 6 से 12 हफ्ते किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद से इफ़त इससे छुटकारा हासिल कर सकती है। अच्छा, इसका मतलब इफ़त ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकती है। जाएगा और कहां से आया है? खतरा तो मौजूद है। 80% लोग खुदकशी के वक्त डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मगर खुदकशी की कोशिश औरतें ज्यादा करती हैं और कामयाबी मर्दों को होती है। डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन का मरीज खुदकशी क्यों करता है? मरीज को खानदानी या समाजी सहारा नहीं मिलता और डिप्रेशन की अक्सर अकसाम में खुदकशी की सोच पाई जाती है और इसमें ज्यादातर लोग गैर शादीशुदा होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। आपा आपा,
अस्सलाम वालेकुम। अरे अख्तर मियां, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आप ये बताएं कि चाय पियेंगे या ठंडा? ये सारा काम बाद में होगा, पहले आप मुझे ये बताएं इसके रिश्ते के लिए जो लोग आए थे उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे हाँ हो गई, कल माशाल्लाह से वो तारीख लेने आ रहे हैं। क्या बात है आपा, माशाल्लाह, ये भाई जी मुबारक।